बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। FBR की तरफ से 5 किस्म के लोगों को टैक्स फाइलिंग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। वो 5 टाइप के लोग हैं। पहले नंबर पर नॉन फाइलर, दूसरे नंबर पर वो लोग हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी फाइलिंग की हुई है, 2-4 साल फाइलर रहे हैं वो, लेकिन अब उन्होंने आकर फाइलिंग छोड़ दी है। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं कि जिनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, लेकिन वो नॉन फाइलर हैं। अब उसमें दोनों किस्म के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ तो हैं लेकिन उनका NTN ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक बार NTN बनाया, प्रॉपर्टी बाय की और उसके बाद वो भूल गए, उन्होंने फाइलिंग नहीं की, या फिर उनके वकील ने या उनके कंसल्टेंट ने, उनके प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे छुप कर उनको फाइलर बना दिया उनके टैक्सेस बचाने के लिए, और वो टैक्सेस में से रकम खुद रख ली होगी या उनको ऐसा शेयर किया होगा। बहरहाल इस तरह से बहुत सारे लोग करते हैं कि प्रॉपर्टी बाय करते वक्त क्लाइंट को बताए बगैर उसको फाइलर करके उससे पूरी अमाउंट ले लेते हैं टैक्सेस की, लेकिन आगे पे लेस अमाउंट करते हैं। चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं कि जिन्होंने कभी बाहर ट्रैवलिंग की है, जैसे उमरा वगैरह पे गए हो सकते हैं, या किसी और सिटी के विजिट वीज़ा पर गए होंगे, या वैसे किसी भी काम के लिए, बिजनेस टूर के लिए गए हैं, यानी वो बाहर ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना NTN नहीं बनाया, उन्होंने टैक्स फाइलिंग नहीं की। तो उन लोगों को भी FBR की तरफ से मैसेजेस आए हैं। और इसके अलावा पाँचवीं कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ऑनलाइन परचेजेस करते हैं, डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, या फ्रीलांसिंग करते हैं, डॉलर्स में पेमेंट रिसीव करते हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक अपना NTN रजिस्टर नहीं किया या वो फाइलिंग नहीं कर रहे। तो ये सारा डाटा क्योंकि ऑलरेडी FBR के पास मौजूद है, और आपके बैंक अकाउंट्स भी FBR के पास, पूरी उनके पास डिटेल मौजूद है, आपकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल है, आप IRS के ऊपर जब जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके पास वहाँ आप देख सकते हैं मालूमात के टैब में कि वहाँ पहले से आपकी सारी मालूमात मौजूद हैं, आपके नाम पर कितने एसेट्स हैं। इसमें दोनों किस्म के एसेट्स आ जाते हैं, मूवेबल भी और इमूवेबल भी, यानी प्लॉट्स आपके घर आ सकते हैं, और इसमें आपकी गाड़ियाँ और आपके बाइक्स भी, उनके पास डिटेल इसकी मौजूद होती है FBR के पास। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है, तो जो लोग ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं लेकिन वो फाइलर नहीं है, तो वो लोग भी, उनको भी मैसेजेस आ रहे हैं। वैसे अब तो एक महीना पहले तक तो सिर्फ इन लोगों को आ रहे थे, सेलेक्टिव लोगों को आ रहे थे, लेकिन अब तो FBR ने सब लोगों को मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं, ख्वाह वो फाइलर है या नहीं है, या उसकी इनकम है या नहीं है। तो उसकी भी एक वजह है क्योंकि FBR अब एक नया कानून लेके आ रहा है जिसके तहत वो नॉन फाइलर की कैटेगरी को बिल्कुल अबॉलिश करने लगा है, और इसमें उसने बहुत सारी पेनल्टीज भी इम्पोज की हैं नॉन फाइलर्स के ऊपर, कि वो बहुत सारे ऐसे हकूक जो कि आईने पाकिस्तान देता है हर शहरी को, लेकिन वो नॉन फाइलर को नहीं मिलेंगे। उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, अभी आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि नॉन फाइलर एक इस तरह से एक कैटेगरी में आ जाएंगे कि जो उनके पेरेंट्स हैं फाइलर हैं, या जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, जो उनका खर्चा पे कर रहे हैं, तो उनकी रिटर्न के अंदर एक टैब आ जाएगा जिसमें वो अपने नॉन फाइलर डिपेंडेंट्स की डिटेल ऐड कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं कैटेगरी वाइज, इन सब का मैं आपको डिटेल बताता देता हूँ कि किस कैटेगरी के लोगों को क्या करना चाहिए। अब इसमें 4 कैटेगरीज को हम एक साइड पर रख लेते हैं, और एक कैटेगरी नॉन फाइलर्स की, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में फाइलिंग ही नहीं की, जिनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, उनकी कैटेगरी को हम सेपरेट रखते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि जो दूसरी पहली कैटेगरी छोड़कर जो अगली 4 कैटेगरीज आपको बताई हैं, उन सब के लिए फाइलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और फाइलिंग का उनको कोई ऐसा लॉस नहीं है। अगर आपकी इनकम उस इनकम ब्रैकेट में नहीं आती, जैसे फर्ज करें 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स अगर पे करना होता है आपने, तो अगर आपकी इनकम उससे कम है, 4 लाख है, 5 लाख है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फाइलिंग करना आपके लिए उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। फाइलिंग आप ज़रूर करें, फाइलिंग करने का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आप एक चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि मेरी इतनी इनकम है और उसके ऊपर क्योंकि मुझे टैक्स बनता ही नहीं है, लायबल ही नहीं हूँ मैं टैक्स पे करने का, तो इसलिए आप 0 टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप फाइलर के सारे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। और ये सारा कुछ आपने 30 सितंबर से पहले पहले करना है,
क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारे एक्शंस एफबीआर ने तकरीबन 15 के तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला किया नॉन फाइलर्स के ऊपर, और अगर आप लेट फाइलर होते हैं तो उस सूरत में भी आपको पेनल्टीज भी पड़ेंगी, आपके बैंक अकाउंट्स को भी बंद किया जाएगा, आपकी सिम्स को बंद किया जाएगा, यूटिलिटी मीटर्स को बंद किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए 30 सितंबर से पहले पहले ये चारों किस्म के लोग जो हैं वो फौरी तौर पर अपनी रिटर्न फाइल कर लें, उसका आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आप किसी कंसल्टेंट को भी पे करेंगे तो कुछ हज़ार रुपये में वो आपको फाइलर बना सकता है, और आप खुद भी इसको रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप इसका सारा प्रोसेस करके दिखाया हुआ है। उसको देखकर अगर आप अपने पास कंप्यूटर या लैपटॉप रख लेते हैं तो आप 10 मिनट के अंदर खुद फाइलिंग कर सकते हैं। अब आते हैं नॉन फाइलर की तरफ। तो नॉन फाइलर को एक बात समझने की ज़रूरत है कि टैक्स फाइलिंग का मतलब टैक्स पेइंग हरगिज नहीं है। अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तो उसके ऊपर टैक्स भी ज़ीरो होगा, लेकिन उस सूरत में भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करके फाइलर बन सकते हैं। किस तरह बनना है उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो उनको भी अक्सर लोग यही मशवरा देते हैं कि वो इग्नोर कर दें इस मैसेज को, लेकिन मेरी ओपिनियन यही है कि उनको भी फाइलर होना चाहिए। हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को फाइलर होना चाहिए, क्योंकि फाइलर होने का आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आपकी कोई इलीगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर आप कोई मुलाजिम है, आपके पास कोई करप्शन का पैसा नहीं है, या कोई आप स्मगलिंग नहीं करते, इलीगल मीन से आप अर्निंग नहीं कर रहे, तो कोई लॉजिक नहीं बनता आपके नॉन फाइलर होने का। नॉन फाइलर फाइलिंग करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जो टैक्स आपके ऊपर ड्यू है, जो ऑलरेडी आप हर बंदा पे कर रहा है, बल्कि नॉन फाइलर कहीं ज़्यादा पे करते हैं फाइलर की नस्बत, आपने सिर्फ उसको रिकॉर्ड पे लेके आना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आ जाएगा और आपके पास भी आ जाएगा कि इतना टैक्स आपके ऊपर ड्यू था और वो आपने पे कर दिया है। तो बहुत सारे लोग इन दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज करते हैं, वो समझते हैं कि हम फाइलर बन जाएंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज़ीरो टैक्स देने के बावजूद भी फाइलर बन सकते हैं। इसी तरह अब ये जो 15 रिस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है एफबीआर की तरफ से, जिनमें से 4-5 तो उन्होंने बता दी हैं। यही है कि ट्रैवल नहीं कर सकेंगे बाहर, आप उमरा वगैरह के लिए नहीं जा सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि उमरे की परमिशन मिल सकती है, लेकिन इस अदरवाइज आप ट्रैवलिंग के ऊपर नॉन फाइलर की रिस्ट्रिक्शन होगी। आप कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते, आप 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते अपने बैंक अकाउंट से, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप सिम नहीं ले सकेंगे, आप यूटिलिटी मीटर नहीं लगवा सकेंगे अपने नाम पर। तो इस किस्म की काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गए एफबीआर यकम अक्टूबर से लेकर आने वाला है। इसलिए अगर आपकी इनकम है या नहीं है तो ये ज़रूरी है कि आप रिटर्न अपनी फाइल कर दें। 10 मिनट का काम है और कुछ हज़ार रुपये का खर्चा है, लेकिन उसके बाद आपको ज़ीरो टैक्स देने के बावजूद भी फाइलर का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं। बाकी इन रिस्ट्रिक्शन की तफसील मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का अल्लाह हाफ़िज़।